أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار मोहतरम साम और नादरीन दीनी भाइयों और बहनों फ़ायल अमाल तसल जो चढ़ रहा है उसमें तहारत पाकि सफ़ाई सुथराई वजू के फ़जाइल बयान किए जा रहे थे आज उसी सिलसिले की एक और नशिस्त, आज की भी नशिस्त है और उसी सिलसिले में कुछ बातें हम करेंगे देखिए एक वसूली चीज़ और एक बुनियादी चीज़ आप हजरात याद रखें अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या अपनी मुहम, अपने नबी मोहम्मद सल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई अदीस और सुनन के में जिन आमाल की फजीलत बयान की गई है उनकी उनकी फजीलत को हासिल करने के लिए एक बड़ी अहम शर्त है इखलास ईमान वगैरह के साथ साथ एक नहायत अहम शर्त है और आज लोग उसी शर्त को नजरअंदाज कर देते हैं फजीलत से महरूम रह जाते हैं जिस अमल की फजीलत किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में वारिद हुई है उसकी फजीलत को हासिल करने के लिए एक बड़ी अजीम तरीन शर्त है वो ये है कि वो अमल आप फजीलत का जब अदा करें तो सुन्नत रसूल के मुताबिक हो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल ने जो अंदाज जो तरीका बताया है उसी अंदाज उसी तरीके से अदा की जाए एक बुनियादी चीज याद रखें अगर आपने फजीलत के नाम पर कोई अमल किया और फजीलत सुन्नत से साबित है लेकिन आपने अदा करने के वक्त सुन्नत को नहीं अपनाया वैसे नहीं अदा किया जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अपनी मनमानी अपनी पसंद या किसी और के तौर तरीके से अगर आपने उसको अदा किया तो वो अमल न नाकबूल है न ना उसकी फजीलत मिलेगी तो वजू की जितनी फजीलतें तहारत वगैरह की अभी आपने सुनी शर्त यही है कि आप उन अमाल को तहारत सफाई सुथराई नेक अमल को अ, अ, अमल की अगर फजीलत हासिल करना है तो आप अपने आमाल का जायदा ले लें कि आपका ये अमल फजीलत वाला सुन्नत सुनत सुनत रसूल के मुताबिक है या नहीं इतबा शरीयत के इतवाह शरीयत में है या कि नहीं है उसको अच्छी तरह समझ लें हजरत उस्मान बिन अफान रबील अन्हु इनकी हदीस बड़ी मशहूर है

फारतमा बई ना देखें मन अतमल वजूआ कमा अमर जिसने वजू किया मुकम्मल वैसे जैसे अल्लाह ने वजू का हुक्म दिया है अल्लाह ने हुक्म दिया और मोहम्मद वसल्लम ने उसका तरीका बताया ये तरीका भी अल्लाह ताला का हुक्म समझे हदीस पर गौर करें अल्फात मन तव्वा मन अतमल अतमलूआ कमा अमर हो मन अतमलूआ कमा अमर जिसने वजू को पूरा किया शुरू से आखिर तक सुन्नत के मुताबिक जिस शख्स ने वजू पूरा किया कमा अमा रहुल्ला उस तरीके से जिस तरीके से वजू करने का हुक्म अल्लाह ने बताया है अपनी किताब अपने नबी के जरिए मन अतमल वजू हुआ कमा अमा रहुल्ला है। फरमाते हैं जिस शख्स ने वजू वैसे किया जैसे कि अल्लाह उसके रसूल ने उसको सिखाया है बताया है यानी इतवाय सुन्नत की रोशनी में वजू किया ऐसा वजू करने वाला जब नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज की बरकत से कफारतुल्लिमा न नन्ना एक नमाज दो नमाजों के दरमियान जितना गुना हुआ था अल्लाह ताला इस वजू के बरकत से सारे गुनाह माफ कर देगा फसला तो कफारा तो लिमा न नहुन्ना। फिर इसकी नमाज किसकी जिसने वजू किया वैसे जैसे अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लम ने वजू करने का तरीका सिखाया और बताया इसकी इसकी नमाज से गुनाह माफ होते हैं वजू के फदाइल में से नमाज के फ़दाइल में से एक बड़ी फजीलत यह थी कि उसके गुनाह माफ हो जाते हैं सारे गुनाह धुल जाते हैं तो अल्लाह के रसुलसलम ने उसकी वजाहत शर्त बयान की कि मे मन अतम मल का कमा अमर हुल्ला। जिसने वजू किया जैसे कि अल्लाह तला ने वू करने का हुक्म दिया है फिर उसके नमाज से पिछले गुनाह माफ होते हैं इस हदीस को इमाम ने सही और इमाम इबन माजह रह ने ने बसद सही ही नकल किया है एक दूसरी रवायत और इससे भी ज्यादा वाज अल अलसारी रदी अल्लाह त

वजू किया जैसे वजू करने का तरीका उसे सिखलाया गया है किताबुल्लाह सुनते रसूल के जरिए मनमानी नहीं आज बहुत सारे लोग वजू करते लेकिन अपने पसंद से अपनी मनमानी धुलते हैं लेकिन पता नहीं आगे क्या करते हैं पीछे क्या करते हैं बीच में क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं क्या पता नहीं ताजुब की बात होती है हाँ, वजू कर लेते हैं फिर उसके बाद से अलग से कान पैसे बार बार घुमाते हैं समझिए ना बहुत सारी चीजें करते हैं जो साबित नहीं है तो उनको जरा गौर करना चाहिए मन तवज्जा हदीस के अल्फाज मन तवज्जा कमा उमेरा जिस शख्स ने वजू किया या जो वजू करता है कमा ओमेरा जैसे कि वजू करने का हुक्म उसको दिया जैसे उसे सिखलाया गया है अल्लाह ने रसूल सलम ने वजू का जो तरीका बताया जो सिखाया उसके मुताबिक वजू किया वसल्ला कमा ओमेरा और नमाज भी पढ़ी तो ऐसे जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म उसे दिया गया है अल्लाह ने फरमाया जिस शख्स ने वजू और अपनी नमाज ऐसे अदा किया जैसे उसको अल्लाह उसके रसूल ने इस बताया है सिखाया है सुन्नत की रोशनी में जैसे कि नबी रहना आई कमारुमोनी उसल्ली मेरे उम्मत के लोगो नमाज वैसे पढ़ो जैसे वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो तो आपने फरमाया जिसने वजू किया जैसे उसको वजू करने का हुक्म दिया गया नमाज पढ़ी अमा उमेरा जैसे नमाज पढ़ने का तरीका उसे किताब उस सुन्नत ने बताया है गोफेर लहुमा तकद दममिन अमलिन तो ऐसा इंसान है कि इसके नमाज इसके वधु के बरकत से पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सारे गलत अमल उसके माफ कर दिए जाएंगे और एक रवायत में है गोफेर लहुमा तकद दमामिन जम्बी उसके गुनाह जितने गुजर चुके हैं सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं देखें इस हदीस में भी गुनाहों की मकफरत और बख्शिश की जो फजीरत है वजू और नमाज से अल्लाह के सोल ने शर्त रखी है कि बशरते कि उसका वजू हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक हो उसकी नमाज हमारी लाहवी शरीय के मुताबिक हो अगर वजू करने में या नमाज पढ़ने में दोस्तों इतवाय सुन्नत का दामन आपने छोड़ दिया सुन्नत की पैरवी नहीं की वसल्लम ने जो तरीका बताया उस तरीके के मुताबिक आपने अमल ना किया तो आपको यह फजीलत हासिल नहीं होती और यही चीज है जो सही हैन की रवायत में मनकूल है लेकिन लोग ख्याल नहीं करते हमारे यहां ऐसा वधु हमारे यहां वैसा वधु उत्साह का सबके यहां वजू है लेकिन वजू उसी का मकबूल है जो अपनी आजादी अपनी मनमानी अपने पसंद करें बल्कि इतवा सुन्नत की रोशनी वजू करें सही है इनकी रवायत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तू ने वजू का पानी मंगाया बहुत सारे लोग बैठे हुए थे सबके सामने अमिर उलमोमिन उस्मान बिन अफान रजी अल्लाहन्हों ने पानी मंगाया पानी लाया गया पहले अपने दोनों हाथों को तीन तीन मरतबा धुला सुम मदन शका फिर तीन मरतबा कुल्ली की तीन मरतबा नाक में पानी डाला सुम मा गा जहू सरासन फिर अपने चेहरे को तीन मरतबा धुला बिर असही फिर अपने सर का मसाह किया एक बार सुम मा गाला रिज लि रिज लहुलना फिर तीन मरतबा आपने अपने दाएं पैर को धोला युसरा सलातन फिर बाएं पैर को आपने तीन मरतबा धोला जब सारा वजू आपने मुकम्मल कर लिया तो रसोलसव नीहादा ए लोगो हमने तुम्हारे सामने जो वजू किया तुम तमाम लोगों को वजू करने का तरीका सिखलाया सिखिलाया वैसे ही वजू है जैसे नबी अलहलात का वजू होता था मन तव्वा नह लोगो मैंने जो वजू किया और तुम्हें तुमको दिखला के किया जो शख्स ऐसे ही वजू करेगा तो यही वजू तरीका मोहम्मद का था देखें साहब कराम बाकायदा अपनी महफिलों में लोगों को नबी का वजू का तरीका सिखलाते थे कि अल्लाह के रसुल ऐसे वजू करते थे फिर आखिर में उस्मान मीरा फान उन्होंने कहा कि हमने रसूल सल्लम को फरमाते ही भी सुना कि मन तोजा नवजा नह बवू ऐ मेरे उम्मत के लोगो तुम में से जिस शख्स ने वजू किया मेरे इस वजू की तरह आपने लोगों के सामने उस्मान बीफान ने बी तो सलाम की इतवा की नबी अलहत ने सब लोगों के सामने वजू फरमाया और वजू मुकम्मल वजू करने के बाद अल्लाह ने फरमाए लोगो तुम लोगों ने हमारे वधु का तरीका देख लिया याद रखो मन तहबूवीदा तुम में से जब जो, जो मुसलमान भी ऐसे ही वजू करे जैसे मैंने वजू किया है अभी लक्ष खास कर दिया मन तो नजू भी था जो शख्स वजू करे तुम में से वैसे जैसे मैंने अभी वजू तुम्हारे सामने किया है जिस शख्स ने हमारे वजू के मुताबिक जैसे तुमने देखा उसने वजू किया सोमयोसली रका फिर वो खड़े होकर के दो रकात नमाज पढ़ लिया तहियतुलवू बड़ी फजीर तहियतलवधु की जिस शख्स ने मेरे इस वधू के मुताबिक वधू किया सोमयोसली रकातईने फिर दो रकात खड़े होकर के पढ़ा खुशु खुबू के साथ खुशूख के साथ ऐसा नहीं कि आनु पढ़ा है दिल धोर नहीं दिल लगा करके पढ़ा गुफे रुमा तक दम अमिंदम भी तो ऐसे हमारी उम्मती के पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है दोस्तों वजू की बड़ी फजीलत है लेकिन हर वजू की नहीं वजू के फजीलत उसके वजू की है जिसका वजू सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक वजू ना हुआ तो इंसान का वजू अल्लाह रब्बुल आलमी राया कर देता है और उसका वजू काबिल कबूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नहीं होता और इसी हदीस से एक बात और समझ में आई सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह तू की है कि है कि है अल्लाह के नबी ने फरमाया मन जो जिस शख्स ने वजू किया मेरे इस वजू के मुताबिक फिर उसने दो रक़त खुशु खुदू के साथ नमाज पढ़ ली तो उस पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ तो वजू के साथ साथ वजू के बाद दो रकात नफिल पढ़ने की भी बड़ी फजीलत आई है नबी नबीलातम तो को यह अमल बहुत ही ज्यादा पसंद था आपकी सल्लम की दीरी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि आपकी उम्मती आपके मानने वाले सारे मुसलमान जब वजू करें तो खुशी खुद के साथ दो रकात नमाज भी लें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बसन दे हसन अबू हुरैरा रदी अल्लाह तु से रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने साथ नमाया लउला अन अश का उम्मी ला अमर तुहम इन दुल्ले सला तिन बे वजू इन व माकुल् वजू इन बेसवा यह हजीस अहमद बिल हम्बल की है और इसके दूसरी सनदें भी हैं जिसको इमाम दारमी इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह ने इमाम तबरानी इबन हिब्बान वगैरह ने भी नकल किया है देखे कभी अल्लाह रबुल आलमीन के यहां छोटे अमल पर भी बड़ा अजरो सवाब मिलता है उसको आने फरमाया ला, अन ला उम्मती अगर मेरी उम्मत पर तकलीफ और मशक्कत ना हो गुजरती यानी मेरी उम्मत के लिए परेशानी का बाइस ना बनती तो मैं हुक्म देता दो बातों का हुक्म देता लेकिन फजीलत बयान कर दे रहा हूं ताकीद नहीं करता क्यों मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मती जो है मशक्कत में पड़ जाए उनको परेशानी लाइक हो तकलीफ हो इसलिए मैं हुक्म नहीं देता जो इंसान फजीलत बयान कर देता हूं जो इंसान तुम में से अमल कर सकता हो अमल करे और उसको अपनाए नंबर एक अमर ला लमर तोहम इन दुल्ले सला इन मैं हर वजू के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म देता हम हुक्म क्या देते हर वधु के साथ नमाज अदा करें कुल वधू इन सेवाकुन से और सेवा किन बेसेवाकिन और मैं दूसरा हुक्म देता कि हर वधु में मिसवाक किया करो दोस्तों ये दो अमल बड़े अहम हैं उनको सा अच्छी तरह से याद रखें नबी अलैहिस्सलाम तो शाम की ख्वाहिश है कि सब लोग करते हैं दो अमल नंबर एक जब भी मोमिन वजू करे तो दो रकात नफिल पढ़ ले वजू किया दो रकात नफिल पढ़ ले नंबर दो जब भी वजू करे मिसवाक कर लिया करे आपको ये दोनों अमल बड़े पसंद थे आपकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि आपके सारे उम्मती ये अमल कर ले। लेकिन आपने सिर्फ रगबत पसंदीदगी का इजहार किया आपने फरमाया मैं हुक्म नहीं देता हुक्म देने का मतलब मैं जरूरी कर देता लाजिम कर देता कि हर इंसान के लिए लाजिम है मैं एक इस तरह से लाजिम कर देता कि हर इंसान के लिए, के लिए लाजिम है कि जब भी वधू दू करे तो मिश्वा जरूर करे। इसी तरह से जब भी वजू कराए नमाज पढ़े मैं जरूरी करार दे देता लेकिन मैं जरूरी करार नहीं देता क्यों जरूरी करार दे देंगे मेरी उम्मत को शाक गुजरे तकलीफ हो परेशानी हो भारी ना पड़ जाए मेरी अपनी उम्मत का के परेशानी और मशक्कत में मुबतला हो जाने का खतर दर ना होता तो मैं दोनों चीजों को जरूरी कर देता कि हर वजू के बाद नमाज पढ़ें और हर वजू में मिसवाक करें अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बहुत बड़ी इस तरह से फजीलत की तरह इशारा किया हम में से हर मुसलमान को चाहिए कि तल इमकान इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करो फजीलत अल्लाह तला का फजलो करम है ये कि छोटे से अमल पर इतनी बड़ी नेकी अल्लाह तला दे रहा है एक तो जब भी वजू करें तो मिसवाक कर ले इधर उधर तीन मरता घुमा ली बस काफी है अगर बराबर पांच हर वजू के साथ करेंगे मिसवाक तो ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता बस सिकंडो का काम होता है दूसरी चीज जब भी वजू करें नमाज का एहतमाम जरूर करें कम से कम दो रकात जरूर पढ़ लिया करें नबी साफ शाम की ख्वाहिश तमन्ना थी और आपको यह अमल बहुत ही ज्यादा पसंद था अब इसकी फजीलत जरा एक और सुने यानी वजू के बाद नमाज पढ़ लेना उसकी कितनी फजीलत है आप उसको एक हदीस से सुने जिस हदीस को इब्न खुजैमा रहमतुल्लाह ने अपने सही के अंदर नकल किया है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किया हदीस के राबी है अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अन अभी है रद्ल अनुम कहते हैं कि असबह वसल्लम यौमन फदा बिलालन कहते हैं एक दिन नबी अलैहि अलत सलाम ने हजरत बिलाल को बुलाया हम सारे लोग मस्जिद में बैठे हुए थे रसूल सलम की महफिल जमी हुई है आपने बिलाल को बुलाया कि बिलाल कहा बुलाकर खिलाओ बिलाल नब यरा शाम की खिदमत में हाजिर हुए अल्लाह सुन क्या बात है आपने क्यों हमको याद किया तो आपने फर्माया बेलाल बीमा सबकनी एलल जन्ना तुम मुझसे आगे आगे जन्नत में क्यों जा रहे थे अल्लाह अकबर बीमा सबकनी एलल जन्ना मेरे आगे आगे तुम जन्नत में क्यों जा रहे थे क्या अमल तुम करती हो मैं देखा कि हमारे आगे आगे तुम जन्नत में जा रहे हो क्या बात है और देखा भी कैसे इन्नी दखल तुलवा रिहा था अलजन्नता फसा तो हश हशता का अमामी फसामे तो खश हशता का अमामी हम जन्नत में दाखिल हुए तो हमने देखा कि हमारे आगे आगे तुम्हारे चलने की आहत महसूस हो रही खस खसा कहते हैं इंसान जब जूता चप्पल पहनता है तो उसके चलने की एक आवाज होती है और एक चीज और याद रखिएगा इंसान जब जूता चप्पल पहन के चलता है तो किसी जगह से बराबर गुजरता है तो लोग उसके पैरों के आहट चलने की जो आवाज होती है जूता चप्पल की उससे भी आदमी पहचान जाता है हर एक के चलने का अंदाज अलग अलग होता है हजरत बिलाल पुराने जमाने में लकड़ी के दो चप्पल आते थे एक खटपटी और दूसरे खड़ाऊ कहा जाता था चटपटी चटपटी क्या कहते हो एक थी ऐसे ही प्लेन बिल्कुल लकड़ी जैसे स्लीप पर आता है थोड़ी सी ऊंची और ऊपर से एक बेल्ट बांध देते थे आदमी उसी को पहन के चलता था खटपट 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 चलता रहता था। एक तो ये थी और एक होता था जरा बारिश में धूल मुट्टी में फंस न जाए खड़ाऊ जरा वो ऊंचा होता था जैसे आज चप्पल वगैरह में एक चौड़ी हीर होती है एडी बनी रहती है ऐसे है। लेकिन सिर्फ एड़ी नहीं वहां पूरे खड़ाऊ में आगे पंजा और एड़ी की जगह एक एड़ी बनी रहती और जरा वो दो तीन इंच ऊंचा होता था उससे फायदा होता था कि कच्ची जमीन रहे कीचड़ वगैरह तो वो पैर खराब नहीं होता था तो ये पुराना दस्तूर था और आज भी ये बहुत सारे इलाकों में आज भी कुछ इस तरह के चलते हैं और अब तो अवाम में रवाज खत्म होता है लेकिन हिंदू पंडित जो होता है सन्यासी वो तकरीबन आज भी इसका इस्तेमाल करता है तो नबी अला तो सलाम ने फरमाया बिलाल एल सबकंडा जन्नत में हमसे आगे आगे तुम कैसे चल रहे थे चूंकि आज जो रात गुजरी है मैंने तुम्हारे खड़ाऊ की आवाज अपने आगे आगे सुना और मैं समझ गया कि तुम ही हो गए देखें अगर खड़ाऊ ना समझे तो जूता चप्पल पैर में तुम जूता पहने थे चप्पल उसके चलने की आवाज मैंने सुनी कि हमारे आगे आगे कोई चल रहा है और वो आवाज आ रही और वो अंदाज और आवाज तुम्हारी ही थी तुम ही थे हमसे आगे आगे चल रहे अल्लाह अकबर दोस्तों छोटे आमाल पर कितनी बड़ी फजीलत बस करने की जरूरत है कौन सी मेहनत लगती है थोड़ा तो पहले उठ जाए वजू करें दो रकात नमाज पढ़ लें फिर मस्जिद में जाए कोशिशें करें हजरत बिलाल ने कहा या अल्लाह या अल्लाह हमारे आमाल तो ही जो आपने देखा है अनफा नहीं दुल्लनी अला अरजा अमलिन कोई बहुत बड़ा अमल तुम करते हो और मुझे नहीं मालूम है वही बड़ा अमल है जो तुम करते हो हमें नहीं मालूम उसी की बरकत रही होगी हजरत फिलहाल रजी अल्लाह तनहो कहते हैं मैंने बहुत गौर फिक्र किया सारे आमाल बताए तो अल्लाह तो हम जानते हैं कोई इसके अलावा और अमल है तो या रसूल अभी मुझे एक बात याद आई मा अजन तो अल्लाह सल तो रका अकबर या रसूल अल्लाह मा अजन तो कत् सल्ली तुरातईन वाला असाबनी कत्तोला अपने दो अमल बताए दोस्तों ये दोनों अमल याद रखो फजीलत हासिल करने की कोशिश करो कहते हैं यार रसूल अल्लाह मैं दो अमल बड़ी पाबंदी से करता हूं वही शायद आप लोगों को मालूम नहीं है वर्षा जितने अमाल करता हूं आप तो जानते हैं लेकिन आप फरमाने इनके अलावा कोई अमल करते हो तो दो अमल हमें याद आते हैं नंबर एक जब भी अजान देता हूं तो अजान के बाद दो रकात नफिल पढ़ लेता हूं नंबर दो वाला असावनी हदसुन कत्तो और जब भी हमारा वजू टूटता है हमें वजू हमारा वजू खत्म होता है इल्ला तवजा तो मैं उसके साथ वजू कर लेता हूं और दो रकात पढ़ लेता हूं अल्लाह सुन फरमाया बेहाजा तो बिलाल तुम्हारा यही अमल था जिसकी वजह पर मैंने देखा कि तुम जन्नत में हमसे आगे आगे जा रहे थे तो तीन चीजों की बड़ी फदीलत आई यहां तहारत तो ही है वह एक तो ये आखिर में हर नमाज के साथ एकामत होने की तकबीर तहिम ऐसे पहले पहले हर वजू में हर वजू में मिसवाक करना नंबर दो हर वजू के बाद दो रकात पढ़ना नंबर तीन हजरत बिलाल कहते हैं यार अल्लाह हमेशा मैं अजान के बाद दो मा मसन तो कत्तो अलाई तो रकात जब मैं मैं जब भी मैं अजान देता हूं तो अजान के बाद दो रकात नफिल मैं पढ़ लेता हूं नफिली नमाजों की बड़ी फजीलत है यहां दोस्तों जो फजीलत हम बयान करना चाहते थे वो जिस चीज की वो ये कि वजू पहले तो वजू की जितनी फजीलतें आई हुई हैं उस फजीलत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि इंसान जब वजू करे तो उसका वजू सुन्नत के मुताबिक हो किताबुल्ला सुन्नत रसूल की रोशनी में हो तो आपने फरमाया मन कमा उमेरा और दूसरे बात मन तो नहब भी हादा, जिसे हमारे इस वज़ू की तरह वज़ू किया तो वजू या कोई भी अमल हो जिसकी फजीलत आई हुई है उस फजीलत को हासिल करने के लिए शर्त है कि वो अमल आप इतवाय सुन्नत की रोशनी में करें सुन्नत की पैरवी हो नबी रहसराब शाम ने किताब सुन्नत ने उस अमल का जो तरीका बताया है उसकी रोशनी में अदा किया जाए एक चीज तो ये थी और साथ ही साथ मजीद एक अमल की फजीलत और आई ये है दोस्तों कि वजू के बाद दो रकात नफिल पढ़ लेना ये इसकी बड़ी अजीम तरीन फजीलत है और अल्लाह रब्बुल रब्आलमीन के यहां इन फजीलतों को हासिल करने के लिए जो शर्तें हैं वो भी हमने बताई नबी रह साथ रमाया हर बंदा जो अमल करता है कितना भी शौक व जज्बा अच्छा हो लेकिन अमल करने के वक्त अगर मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा तभी अल्लाह ताला उसका अमल कबूल करेंगे और अगर उसका अमल मेरे तरीके से हट गया सुन्नत के मुताबिक अमल ना हुआ तो उसका सारा अमल अल्लाह ताला तलाएगा बर्बाद कर देंगे हिला को बर्बाद हो जाएगा उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा अल्लाह तला से दुआ करें कि हर नेक अमल करने में अल्लाह हमें अपने नबी की सुन्नत और अपनी किताब और नबी के तरीक़े की, की इतवा करने वाला बनाए और हर अमल में नबी की सुन्नत हर अमल सुन्नत की रोशनी में अमल करना करने की कर, कोशिश करें और अल्लाह इसकी तोफीक दे बाकी बाकी इन अगले हफ्ते अगले दरस में अकुल मिन अकुलकोली वक्सर तो